भोपाल के जिस हॉस्टल से 26 लड़कियां भागी वो जेल नुमा गेट पर ताला दो कुत्ते देते हैं पहरा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। भोपाल इंदौर हाईवे पर गांधीनगर में करीब 7 किलोमीटर आगे गांव तारा सेवनिया बसा है। यहीं आंचल चिल्ड्रन होम का संचालन बिना रजिस्ट्रेशन के हो रहा था। इसमें बड़े पैमाने पर बच्चियों और किशोरियों के धर्मांतरण की बात सामने आई थी। प्रभु यीशु के जीवन से जुड़े प्रसंगों की तस्वीरें चिल्ड्रन होम परिसर, क्लासरूम और किचन में लगाई गई। चिल्ड्रन होम का संचालन रेलवे चाइल्ड लाइन 1098 का संचालन करने वाली संस्था संजीवनी सर्विसेज सोसाइटी कर रही थी। यही खुलासा पुलिस और प्रशासन की शुरुआती जांच में हुआ है। प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक चिल्ड्रन होम बिल्डिंग का लोकार्पण फरवरी 2020 में हुआ था। बिल्डिंग रेलवे चाइल्ड लाइन 1098 के संचालक अनिल मैथ्यू की जमीन पर बनी है। वही इसका संचालन करता है। करीब 4 एकड़ एरिया में बने चिल्ड्रन होम में ईसाई समुदाय के आंचल माता का मंदिर भी बना है। यहाँ रोजाना बच्चियां प्रभु यीशु की प्रार्थना करती हैं। प्रवेश द्वार मुख्य बिल्डिंग से करीब 100 मीटर दूर है। पूरा हॉस्टल चारों तरफ से पैक है, देखने में किसी जेल जैसा नजर आता है। यही नहीं, बिल्डिंग के मुख्य गेट पर हमेशा ताला लगा रहता है। किसी बाहरी व्यक्ति की एंट्री बैन रहती है। ग्रामीणों की माने तो बाहर कभी कोई घूमता हुआ भी नजर आता है। आंचल चिल्ड्रन होम से रेस्क्यू की गई 41 बच्चियों में से 2 बच्चे अनाथ और 4 आंशिक अनाथ है। शेष 35 बच्चियों के पेरेंट्स जीवित है। बावजूद इसके उनके पेरेंट्स ने अलग चिल्ड्रन होम में रखा जा रहा था। आंचल चिल्ड्रन होम में बीते महीने 25 दिसंबर को क्रिसमस का कार्यक्रम हुआ था। इस दौरान यहाँ एक प्ले हुआ था जिसमें यहाँ रहने वाली एक किशोरी ने ईसा मसीह की माँ मरियम और दूसरी लड़की ने जोसेफ का किरदार निभाया था। रेलवे चाइल्ड लाइन 1098 द्वारा रेस्क्यू किए गए बच्चों में से लड़कियों को बाल कल्याण समिति के सामने पेश नहीं किया जाता था। उन्हें आंचल चिल्ड्रन होम में अवैध तरीके से रखा जाता था। इसकी पुष्टि करने के लिए परवलिया सड़क थाना पुलिस आंचल चिल्ड्रन होम के संचालक अनिल मैथ्यू सहित दूसरे कर्मचारियों से पूछताछ कर रही है। बच्चों की क्लास रूम में बुक्स, बैग और पानी की बोतलें रखी हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि जब निरीक्षण हुआ तो बालिकाओं का आनन फानन वहां से हटाया गया। उन्हें उनका बैग और बुक्स उठाने तक का मौका नहीं दिया गया। एक क्लास रूम में बड़ी सी छड़ी रखी थी। जेल नुआ बने बालिका छात्रावास का प्रवेश द्वार मुख्य बिल्डिंग से करीब 100 मीटर दूर है। हॉस्टल की तीसरी मंजिल पर टीन शेड है। इसे जालियां लगाकर चारों ओर से पैक किया गया है। यहां बच्चों के कपड़े और पुराने सामान पड़े हैं। हॉस्टल के हर रूम में 10-10 पलंग लगे हैं। हर पलंग के करीब अलमारी है जिसमें बालिकाओं के सैंडल, शूज और कपड़े रखे हैं। हॉस्टल के किचन में राशन सहित अन्य जरूरी सामान मौजूद है। इसके पिछले हिस्से में कई जले हुए डायपर पड़े हैं। कोई बाहरी व्यक्ति हॉस्टल कैंपस में प्रवेश नहीं कर सकता है। यहाँ सुरक्षा के लिए 2 कुत्ते 24 घंटे खुले रहते हैं। गरीब मजदूर परिवारों के बच्चों को यहाँ पढ़ाई कराने के नाम पर लाया जाता था। भोपाल के आदमपुर छावनी स्थित हरिपुरा में रहने वाली मुस्लिम समुदाय की 10 किशोरियों का एक साथ वर्ष 2023 में इस बालिका छात्रावास में दाखिला कराया गया था। ये सभी 15 दिन बाद यहां से अपने अपने घर लौट गई थी। रिकॉर्ड में इन्हें अब भी छात्रावास में रहना दर्शाया जा रहा था। यह छात्राएं 26 लापता छात्राओं में शामिल थी। अब पुलिस यह भी पता लगा रही है कि जब छात्राओं को हॉस्टल छोड़े 1 साल का समय बीत चुका है तो उन्हें रिकॉर्ड में छात्रावास रहता क्यों बताया जा रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।